विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने हिंदी साहित्य में नाटक विधा के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने नाटक के तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमने भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार नाटक के तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम निबंध का अर्थ, निबंध की शैलियाँ और निबंध के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। निबंध शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ है नी प्लस बंध। निबंध यानी नी प्लस बंध, अर्थात विशेष रूप से बंधा हुआ। बंध धातु में नी उपसर्ग और खंज प्रत्यय से व्युत्पन्न निबंध का शब्दकोशगत अर्थ है बांधना, कसना, लगाव, आसक्ति इत्यादि। लेकिन वर्तमान में निबंध शब्द का प्रयोग अपने मूल अर्थ से भिन्न अंग्रेजी के ऐसे के पर्याय के रूप में होता है। ऐसे का अर्थ है प्रयास, प्रयोग या परीक्षण। आत्मा भी व्यक्तिहीन निबंध का प्रधान गुण है। आत्मा अभिव्यक्ति अर्थात स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करना। निबंध लेखक का प्रधान गुण यही होना चाहिए कि वे अपने स्वयं के विचारों को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकें। निबंध रचना का प्रधान उद्देश्य लेखक के व्यक्तित्व को प्रकट करना है। निबंध गद्य में लिखित एक सीमित आकार की संरचना है, जिसमें लेखक विशिष्ट दृष्टिकोण से किसी विषय का प्रतिपादन करता है। अगर हम इसे पारिभाषिक शब्दावली में कहें तो हम कह सकते हैं कि निबंध साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें तर्कपूर्ण ढंग से किसी भी विषय के सभी अंगों का पूरा पूरा विवेचन किया जाता है, जिसमें लेखक के व्यक्तित्व की अमिट छाप रहती है, जिसमें साधारण बातचीत का रस रहता है, जिसमें अनियमित एवं असंगठित होकर भी पूर्णता के साथ साथ रमणीय शैली एवं भावों विचारों की स्वच्छंद रमणीय एवं कसावपूर्ण गद्य रूपी विधा को निबंध कह सकते हैं। तो ये हुआ निबंध का अर्थ। अब हम निबंध के प्रमुख प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे विवेचकों ने निबंध को अलग अलग दृष्टिकोण में विभाजित करने का प्रयत्न किया है। प्रमुख रूप से विषय की विभिन्नता की दृष्टि से विद्वानों ने निबंध को चार वर्गों में विभाजित किया है। ये चार वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है विवरणात्मक, तीसरा है विचारात्मक, चौथा है भावात्मक। वर्णनात्मक निबंध का संबंध अधिकतर देश से संबंधित होते हैं, जिसमें कल्पना वैभव के लिए अधिक अवकाश रहता है। पहले अपने इनकी छोटी छोटी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। विवरणात्मक निबंध संबंध काल युग से होते हैं, मतलब संबंधित युग से, यद्यपि इसमें भी कल्पना तत्व अधिक रहता है। विचारात्मक इन्हें विवेचनात्मक भी कह सकते हैं, यहाँ पर विचार का मस्तिष्क तक प्राधान्य रहता है, साथ में बुद्धि तत्व की प्रधानता भी रहती है। चौथा है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध का संबंध अधिकतर हृदय से रहता है, राग तत्व की प्रधानता रहती है। वैसे कल्पना, राग बुद्धि शैली आदि तत्व भी भावात्मक निबंध में पाए जाते हैं। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में प्राकृतिक उपकरणों तथा
भौतिक पदार्थों को स्थिर रूप में देखकर वर्णन किया जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वर्णन करना, वर्णनात्मक निबंध वर्णन करना। इसमें किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या भौतिक पदार्थ हो। इसमें वर्ण्य विषय की लंबी चौड़ी विवेचना की जाती है। निबंधकार अपने वर्ण्य विषय से संबंधित अपनी प्रतिक्रिया का कल्पना की सहायता से रोचक अंकन करता है। साहित्य जगत की अधिकतर विधाओं में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग देखा जाता है। मिश्र बंधुओं का सरल जावा युद्ध ऐसा ही निबंध है। मतलब एक सीधी सी शब्दावली में हम कहें कि वर्णन करना ही वर्णनात्मक निबंधों की का वर्ग है। आगे है विवरणात्मक निबंध। इनका संबंध प्राय काल से रहता है। इनमें वस्तु के स्थिर रूप में न देखकर उसके गतिशील रूप में देखा जाता है। प्राय शिकार, पर्वतारोहण, दुर्गम प्रदेश की यात्रा, साहसपूर्ण कृत्य आदि का वर्णन इन निबंधों का वर्ण्य विषय रहता है। इन्हें कथा नाम निबंध भी कहा जाता है। मतलब जिस तरह कथा या कहानी में गतिशीलता होती है, एक कर्मिक प्रवाह रहता है, उसी प्रकार विवरणात्मक निबंध भी गतिशील होते हैं। एक क्रमबद्ध कथा की तरह ये आगे बढ़ते हैं, जैसे शिकार की कथाएं हैं, पर्वतारोहण हैं, दुर्गम प्रदेश की यात्रा करना है या अन्य कोई साहस पूर्ण करते हैं, तो ये विवरणात्मक निबंध है। जैसे अपने हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा यात्रा वृत्तांत राहुल सांस्कृत्य जी ने लिखे, तो उनकी जो यात्राओं के वर्णन हैं वो विवरणात्मक निबंध श्रेणी में आएंगे। आगे है विवेचनात्मक या विचारात्मक निबंध। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विचार व्यक्त करना, विवेचन करना। निबंध के इस प्रकार में बौद्धिक विवेचन की प्रधानता रहती है। इसका सीधा संबंध विचारों से माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहां एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर ठूंसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबंध विचार खंड को लिए हो। ऐसे निबंधों के लेखक की व्यक्तिगत अनुभूतियाँ जितनी विस्तृत होगी, जिनका मानव जीवन का अध्ययन जितना गंभीर होगा, उतनी ही उसे सफलता मिलेगी। आचार्य शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि के इसी शैली में लिखे गए निबंध हैं। आगे है भावात्मक निबंध। यह निबंध एक रूप से काव्य में लगता है। जैसे अपने नाम से ही पता चलता है कि भावात्मक, भाव व्यक्त करना, और भाव है ये हृदय के गुण हैं। विचार बुद्धि का तत्व होता है, जबकि भाव हृदय का तत्व है। इनमें बुद्धि की अपेक्षा भाव की अधिकता रहती है। इनके रागात्मक होने से शैली का सौंदर्य भी उभर आता है। इनमें प्रायः तीन प्रकार की शैलियों का उपयोग किया जाता है, धारा शैली, तरंग शैली, विक्षेप शैली। धारा शैली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भावों की धारा प्रवाह में रहकर प्रायः एक गति से चलती है, किंतु तरंग शैली में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तरंगें ऊपर नीचे होती रहती है, तो तरंग शैली में भाव लहराते हुए प्रतीत होते हैं। विक्षेप शैली में तारतम्य और नियंत्रण का अभाव रहता है। प्रायः पूरा का पूरा निबंध किसी काव्य में उद्गार सा लगता है। भावात्मक शैली के प्रमुख निबंधकारों में पद्म सिंह शर्मा, सरदार पूरण सिंह, महादेवी वर्मा,
और सुमित्रा नंदन पंत के निबंधों में भावात्मकता पाई जाती है। तो ये हुए अपने निबंधों के चार वर्ग, कौन कौन से? वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विवेचनात्मक या विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। अब हम देखते हैं निबंध की प्रमुख शैलियाँ। तो निबंधों की पांच शैलियाँ हैं, कौन कौन सी? व्यास शैली, समास शैली, धारा शैली, तरंग शैली और विक्षेप शैली। व्यास शैली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यास अर्थात विस्तार करना, इस प्रकार में वर्णनात्मक निबंध आते हैं। दूसरा है समास शैली। समास शैली में विचारात्मक या विवेचनात्मक निबंध अधिक लिए जाते हैं। धारा शैली, यह भावात्मक निबंध की शैली है जो भावों के धारा प्रवाह खींची जाती है। तरंग शैली, तरंग शैली भी भावात्मक निबंध में पाई जाती है, जहाँ तरंगों की भक्ति भाव है, ये उठते गिरते रहते हैं। आगे है विक्षेप शैली। इस शैली का प्रयोग अक्सर सभी निबंधों में कभी कभार पाया जाता है, लेकिन समग्र निबंधकार इस शैली से किनारा कर लेते हैं, फिर भी अच्छे निबंधकार इस शैली को झपट में ले आते हैं। तो ये थी निबंधों की प्रमुख शैलियाँ, कौन कौन सी? व्यास शैली, समास शैली, धारा शैली, तरंग शैली और विक्षेप शैली। इसके साथ ही अपना ये यूनिट समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नई यूनिट की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।